गुड मॉर्निंग दोस्तों, कल हमने देखा था एसिडिक ऑक्साइड, आज उसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ बेसिक ऑक्साइड। तो देखो जरा, बेसिक ऑक्साइड्स मोस्टली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज इट्स एक्वो सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड मोस्टली कैसे थे? एसिडिक। मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे? बेसिक। और मेटलॉइड के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। उनमें दोनों कैरेक्टर होते हैं। तो मोस्टली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज इट्स एक्वो सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। ऑल मेटल ऑक्साइड्स एक्सेप्ट एम्फोटेरिक, न्यूट्रल एंड एसिडिक। ऑल मेटल ऑक्साइड्स एक्सेप्ट एम्फोटेरिक, न्यूट्रल एंड एसिडिक। अगर मैंने कोई भी मेटल ऑक्साइड से एसिडिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल अगर हटा दूंगा तो जो बचेगा वो क्या होगा? बेसिक। क्लियर है? अब जैसे इसके कुछ एग्जांपल, Na2O में अगर हम वाटर डालेंगे तो NaOH बनता है। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो Na2O क्या होगा? आपका बेसिक नेचर। CaO प्लस H2O विल फॉर्म कैल्सियम हाइड्रोक्साइड। तो CaO कैसा हो जाएगा? बेसिक। MgO प्लस H2O विल फॉर्म MgOH होल ट्वाइस। तो MgO कैसा होगा? क्योंकि ये NaOH क्या है? बेस। कैल्सियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस। फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस। ये सब बेस हैं, इसलिए ये जो ऑक्साइड होंगे इनमें कैसा नेचर होगा? बेसिक। बट इम्पॉर्टेंट बात अब क्या है, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। मेटल का ऑक्साइड एसिडिक भी हो सकता है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक भी हो सकता है, मेटल का ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी हो सकता है, मेटल का ऑक्साइड न्यूट्रल भी हो सकता है। तो अब सबसे पहले अब देखिए, एम्फोटेरिक कौन कौन से होते हैं, इसको मैंने एक याद करने का एक बहुत बढ़िया तरीका बनाया हुआ है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए सबसे पहले मैं आपको वो बता रहा हूँ, वो ऑक्साइड मेटल के जो एम्फोटेरिक है, वो ऑक्साइड मेटल के जो एम्फोटेरिक है। तो इसको याद रखने का तरीका, एक लाइन याद रखना, जनाबे अली ने बेकार गाए दो दो पंजाबी सॉन्ग। क्या याद रखेंगे? जनाबे, जनाबे मतलब जेडन, अली मतलब एल्युमिनियम, बेकार मतलब बीई से बे और सीआर मतलब कार। तो बेकार गाए, गाए मतलब जीए, गाए दो दो पंजाबी सॉन्ग, मतलब दोनों पंजाबी हैं और दोनों सॉन्ग हैं। तो दोनों पीबी, दोनों एसएन, पीबी की दो वैलेंसी होती है, प्लस टू प्लस फोर, एसएन प्लस टू प्लस फोर। एंड एज यूजुअल ऑक्साइड्स ऑफ मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स में तो दोनों कैरेक्टर होंगे, मेटल नॉन मेटल के, उनके ऑक्साइड तो सियोरली एम्फोटेरिक होंगे। तो एम्फोटेरिक वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया हमारा। जनाबे मतलब ZnO, अली मतलब Al2O3, बेकार मतलब BeO Cr2O3, गाय मतलब Ga2O3, दो दो पंजाबी सॉन्ग मतलब PbO PbO2 SnO SnO2। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। प्लस ऑक्साइड ऑफ मेटलॉइड, जो भी आपके मेटलॉइड्स होंगे उनके ऑक्साइड। बट जेई में मोस्टली जो मैंने ये जनाबे अली ने बेकार गाए दो दो पंजाबी सॉन्ग, इसी में से जेई एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे को पता होगा। तो अब क्या है, हमें एम्फोटेरिक पता लग गए। अब ऑब्वियस सी बात है, ये वाले जो मेटल ऑक्साइड होंगे ये एम्फोटेरिक होंगे, तो ये बेसिक नहीं होंगे। यस करेक्ट। मेटल ऑक्साइड, मेटल हैविंग सेकंड, अब वो मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक होते हैं, तो वो भी देखिए, इसमें मैंने ये लिखा हुआ है, मेटल हैविंग ग्रेटर देन प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 या 5 से ज्यादा है, मतलब इनफैक्ट आप 5 प्लस याद रखना, तो मेटल हैविंग ग्रेटर देन प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट इज एसिडिक इन नेचर। होता क्या है, आपने सुना होगा क्रोमिक एसिड CrH2CrO4, क्रोमिक एसिड H2CrO4। तो इसका जो एनहाइड्राइड होता है CrO3, ऑब्वियस सी बात है CrO3 में अगर मैं वाटर डालूंगा, CrO3 में आप ऐड करके देखिए, वाटर CrO3 में अगर आप वाटर ऐड करोगे तो क्या आएगा? H2CrO4, H2CrO4 क्रोमिक एसिड। अगर ये क्रोमिक एसिड है, अगर ये एसिड है, तो वाटर तो न्यूट्रल होता है, तो
इट्स एसिडिक प्रॉपर्टीज आर बिकॉज ऑफ CrO3। तो इसमें आप क्या याद रखेंगे, कोई भी मेटल हो, कोई भी मेटल अगर +6 ऑक्सीडेशन और +7 में, या फिर आप स्टेटमेंट दे सकते हो +5 से ज्यादा, वो आपके क्या हो जाएंगे, एसिडिक। एंड देयर आर वेरी फ्यू, और जो JEE के लिए रिक्वायर्ड भी नहीं है, कुछ हो सकते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, बट आपको क्या करना, एम्फोटेरिक पता लग गए, आपको एसिडिक पता लग गए, इनके अलावा कोई भी मेटल ऑक्साइड होगा वो क्या होगा बेसिक। अब आप दोबारा चेक करिए, Na2O क्या एम्फोटेरिक है, नो, क्या एसिडिक है, नो, क्या ये न्यूट्रल है, नो, CaO ये भी नहीं है, MgO ये भी नहीं है। तो बेसिक अब क्या हो गया, मेटल के ऑक्साइड से आप क्या रिमूव कर दो, एम्फोटेरिक एंड एसिडिक मेटल ऑक्साइड, तो जो बचेंगे वो क्या होंगे आपके, बेसिक ऑक्साइड। सिंपल सी बात है, न्यूट्रल ऑक्साइड मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको मेंशन करा था, न्यूट्रल ऑक्साइड चार याद रखने हैं, NO, CO, N2O एंड OF2। NO, CO, N2O एंड OF2 आर न्यूट्रल ऑक्साइड। अब देखो ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसके पहले आप समझ लो, एसिडिक ऑक्साइड में अगर मैं वाटर डालूंगा तो ऑब्वियस सी बात है जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एसिडिक। और अगर एसिडिक सोल्यूशन होगा तो वो एसिड से रिएक्शन करेगा या बेस से रिएक्शन करेगा, डेफिनेटली वो सिर्फ बेस से रिएक्शन करेगा क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन है, विल रिएक्ट विद बेस ओनली, विल नॉट रिएक्ट विद एसिड। बेसिक ऑक्साइड की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे ऑक्साइड जिनको पानी में डालेंगे बेसिक सोल्यूशन बनेगा, एंड ऑब्वियसली बेसिक सोल्यूशन अगर है तो क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन अगर है तो वो बेस से रिएक्शन ना करके वो किससे करेगा रिएक्शन, एसिड से। न्यूट्रल ऑक्साइड जिनको अगर आप वाटर में डालोगे तो ऑब्वियसली वो क्या बनाएंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन वो होते हैं जो ना एसिड से रिएक्शन करे ना बेस से रिएक्शन करे। नेक्स्ट क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड को आप पानी में डालोगे तो क्या होगा, एम्फोटेरिक सॉल्यूशन विल रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। अब देखो यहां तक होपफुली अभी कंक्लूड कर लेते हैं, जो अपन ने देखा कोई भी मेटल ऑक्साइड हो तो चांसेस क्या है होने का, बेसिक होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, बस आप ये चेक कर लेना जनाबे अली ने बेकार गाए दो दो पंजाबी सॉन्ग इसमें से तो नहीं है, या फिर +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तो नहीं है, अदर देन एम्फोटेरिक एंड एसिडिक एंड न्यूट्रल ऑल आर बेसिक। तो अब अगर हमें बेस पता लग गया तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, एक ऑक्साइड लूंगा जिसमें मैं वाटर डालूंगा तो या तो वो बेस बनेगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा, या फिर एसिडिक होगा या एम्फोटेरिक होगा। लेट से वो एम्फोटेरिक है, मान लो आप जिंक ले लेते हैं, ZnO को अगर हमने वाटर में डाला तो क्या बनेगा बेटा, ZnOH2। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ZnOH2 का सॉल्यूशन है ये किससे रिएक्ट करेगा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ये HCl से भी रिएक्ट करेगा और ये NaOH से भी रिएक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि ये कैसा है, एम्फोटेरिक सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर Na2O का एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, NaOH, ये सिर्फ किससे रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये बेसिक ऑक्साइड है तो ये सॉल्यूशन बेसिक होगा, इसलिए ये सिर्फ किससे रिएक्शन करेगा, एसिड से। तो इस तरीके से हम एक नेक्स्ट लेक्चर में इनकी रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, होपफुली ये आपको पसंद आया होगा, थैंक यू।